हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे। आज हम बनाएंगे करेले की चटपटी और करारी रेसिपी। इसके लिए हमने 500 ग्राम करेले लिए हैं, इनको दबा कर चेक कर लिया है, ये दब नहीं रहे हैं, सॉफ्ट नहीं है, इसका कड़क है। इसका मतलब ये करेले ठीक हैं, इनके बीज जो हैं अंदर से सॉफ्ट होंगे और आसानी से कट जाएंगे। तो देखिए, हमने करेले को सबसे पहले आगे पीछे लेकर काट दिया है, अभी इनको आधा करके काट के देखते हैं। तो देखिए, हमने इनको दो हिस्सों में कर लिया। करेले के जो बीज हैं बहुत ही सॉफ्ट हैं, आप देख सकते हैं। अब इनको हम पतले पतले टुकड़ों में काटेंगे। करेले के छिकले बने रहने देंगे, इनको हम छीलेंगे नहीं, तभी ये रेसिपी बहुत ही अच्छी आएगी। तो करेलों को दो हिस्सों में करके इसके जो बीज का हिस्सा है, जो हल्के से बीज हैं, पके तो नहीं है लेकिन फिर भी हल्का सा निकालना है, और इसी तरीके से सभी करेलों को काट कर पीसों में करना है। तो देखें, हमने सारे करेलों को काट लिया पतले पतले पीस में। अब इसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच नमक मिलाकर 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ताकि कि इसका जो कड़वापन है करेले का वो पानी के रूप में निकल जाए। तो छोड़ देते हैं हम। अब देखिए, हमारे करेले 15-20 मिनट के बाद इस तरह से सॉफ्ट से हो गए हैं। अब हम इनका निचोड़ कर पानी निकालेंगे। हमें इन्हें मसलना नहीं है, आराम से इसे पकड़ के दबाना है, दबा कर ही इनका पानी निकालना है, वरना जो करेले हैं वो मसल जाएंगे तो फिर ख़राब हो जाएंगे। तो सारे करेलों को इसी तरह से दबा दबा कर हमने करेले का पानी निकाल लिया है। दोस्तों, मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो करेले निकल गए हैं, अब हम इसमें डालेंगे 1 से 1.5 चम्मच बेसन, 1 चम्मच चावल का आटा, आधा चम्मच हल्दी और थोड़ा सा अमचूर पाउडर भी डाल देंगे, जिससे कि खटाई अच्छी लगती है करेले में। और आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला डाल देंगे, और स्वाद अनुसार नमक भी डालेंगे। अब थोड़ी सी अजवाइन भी मसल कर डालेंगे, मसल कर डालने से करेलों का टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो देखिए, हमने उलझार दिए हैं पकड़ के, थोड़ा सा हल्के सॉफ्ट हाथों से मिलाया है, बाकी कटोरी को पकड़ के उलझार दिए, जिससे कि अच्छे से कोटिंग हो गई है। अब इन सभी पीसों को हमने गरम तेल में डालकर तल रहे हैं। तो देखिए, हमारे कितनी अच्छे से बुलबुले उठकर अच्छे से तल रहे हैं। तो हमारा जो पहला बैच है वो इस तरह से सिक गया है। जब डाले थे तो करेले की मात्रा ज़्यादा थी, जब सिके तलने के बाद थोड़े से रह गए। इसी तरह से हम दूसरा बैच भी डालकर इसको सेकेंगे। तो देखिए, हमने दूसरा बैच भी डाल दिया। अब इनको 102 मिनट सेकने के बाद पलटेंगे, उलट पलट करते हुए सेक लेंगे, तो ये वाला बैच भी हमारा सिक्का तैयार हो गया है। इसी तरीके से करेले के सारे पीसों को हम तल लेंगे। देख सकते हैं आप करेले कितने करारे हैं, आवाज़ सुन सकते हैं आप, बहुत ही टेस्टी और कुरकुरे हैं। तो देखिए, तो कितनी आसानी से टूट रहे हैं। और अब हमारी ये जो करेले की रेसिपी है वो तैयार हो चुकी है। देखिए, फिर से काट तोड़ के देखा है, बहुत अच्छे से टूट रहे हैं। अब हम इनको स्टोर करके 1 से 2 हफ्ते तक रख सकते हैं और कभी भी खा सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।